बिज्जू कहाँ जा रहे हैं? भोपाल। आप दोनों यहाँ इतनी सुबह सुबह आप लोग खड़े क्यों हैं? आइए बैठिए ना। जी शुक्रिया, हम लोग यहाँ बैठने नहीं आए हैं, हम लोग भूमि को यहाँ से ले जाने आए। पापा मुझे माफ कर दीजिए पर मैं आपके साथ नहीं आ सकती। क्या हुआ अग्रिम, कौन आया था? हमने ऊंची ऊंची आवाजें सुनी पर हम तैयार हो रहे थे इसलिए आ नहीं सके। लता, इंदर, हमें कोई कुछ बताएगा कि क्या हुआ? भाभी माँ, भाभी वो भूमि के पापा और राजेंद्र भाई साहब आए थे। हाँ? इतने सुबह सुबह क्यों आए थे? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक तो था, बस वो बस बस क्या सुमन, साफ साफ बताओ बात क्या है। भाभी माँ वो लोग ना भूमि को घर वापस ले जाने के लिए आए थे, उन्हें आपके फैसले के बारे में पता चल गया ना इसलिए बहुत गुस्से में थे। शायद शायद भूमि ने ही शिकायत की होगी तभी तो आए थे अपना गुस्सा निकालने के लिए। कह रहे थे कि हमने रिश्तों का मान नहीं रखा, हम में बड़प्पन नहीं है और ऐसे घर में अपनी बेटी को वो नहीं भेजेंगे। हमने तो उन्हें इतने प्यार से बैठने को भी कहा पर उन्हें तो उसमें भी दिक्कत थी, कहने लगे हम बैठने नहीं आए। अच्छा तो तुमने साबित कर ही दिया लड़की कि तुमने कभी इस घर को अपना नहीं समझा, तुम सिर्फ एक छल और दिखावे की मूरत हो। ये है इस लड़की की सच्चाई जो हम तुम सबको दिखाना चाहते थे। अपनी गलती मानने के बजाय अपने मायके वालों के कान भरे, हमारे खिलाफ भड़काया उन्हें ताकि वो यहां आए और इसे यहां से लेकर चली जाए। अगर तुम्हें यहाँ और चार दिन रहने में कोफ्त हो रही थी तो हमें पहले बता देती। इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? और जब अपने पिता को बुलाया ही था तो उसके साथ गई क्यों नहीं? बड़ी माँ मैंने, हमें कोई सफाई नहीं चाहिए। वाह सुमन, दाद देनी पड़ेगी तेरे दिमाग की, क्या गेम खेला है। अच्छा हुआ ये नहीं गई वरना इतना अच्छा एंटरटेनमेंट कैसे होता। तुम्हें जाना है ना तो जाओ, कोई जरूरत नहीं यहाँ रुकने की। हम तो कहते हैं अभी इसी वक्त हमारे घर से बाहर निकल जाओ।
निकलो यहाँ से। नहीं बड़ी माँ, आपको कोई गलत फहमी हुई है। इसमें भूमि की कोई गलती नहीं है। हाँ, वो लोग आए थे और बहुत गुस्से में थे, लेकिन भूमि ने उनके साथ जाने से साफ साफ मना कर दिया और भूमि ने उन्हें कुछ नहीं बताया। इनफैक्ट वो लोग तो कह रहे थे कि उनको सब कुछ सुरभि ने बताया। भूमि ने तो उन्हें वापस भेज दिया। इसने उनसे साफ साफ कह दिया कि यह उसका निजी मामला है। वो उसमें दखल ना दे। ये सब करके इसने कोई एहसान नहीं किया हम पर। ये कुछ भी कर ले पर हमारा फैसला नहीं बदलेगा। पार्टी के बाद इसे ये घर छोड़ना ही होगा। और ये हमारा आखिरी फैसला है। और हाँ सुमन, जब हम कुछ पूछें तो पूरी बात बताया करो। आधी अधूरी कहानी सुनाकर हमारा वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। और जब तक घर में सब सही नहीं हो जाता, सूर भी यहां नहीं आएगी। हाँ माँ, वो ठीक है जी। माँ बस हम पहुंचने ही वाले हैं। आकर सारी बातें बताते। ठीक है, जल्दी आओ। जय महाकाल। अरे भाई, राजेंद्र ने क्या कहा? सब ठीक तो है ना? अरे कुछ तो बताइए, क्या हुआ? अब होना का है, अब क्या बताए। भूमि ने इन लोगों के साथ आने से मना कर दिया। क्या शांति जी, आपने ठीक ही तो कहा था, भूमि अब हमारी बेटी नहीं है, उनकी बहू है। और उसने उस रिश्ते का मान रखते हुए सही फैसला लिया है। मुझे अपनी पोती पे गर्व है। लेकिन हमें इस वक्त विजेंद्र पे गुस्सा आ रहा है। और हमने उसे कहा था कि इस मामले में बिना सोचे समझे कोई कदम ना उठाना, बाद में कोई परेशानी ना हो जाए। शांति जी, विजू एक पिता है, आप जरा उसकी नजरिया से सोचिए। अपनी दुखी बेटी को अकेले छोड़कर तो नहीं आ सकता ना। आप तो बस ये बनाइए इस बात से भूमि के लिए हालात और ना बिगड़े। हाँ शुक्ला जी, अगर हालात बिगड़े ना हैं, तो सुधरने के भी कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं।
मम्मी आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, सॉरी कि तुम्हें वो सब सहना पड़ा। आज प्लीज आपको मुझे सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे आपको थैंक यू कहना चाहिए। इतना कुछ होने के बाद भी आपने आज मेरा साथ दिया। मुझे जो सही लगा मैंने वही किया, और वैसे भी अब तो बहुत ही जल्द ये सब खत्म होने वाला है। भूमि, एक्चुअली मुझे एक और चीज के लिए तुमसे माफी मांगनी थी। मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं तुम पर पाबंदियां लगाऊं। गुस्से में मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। तुम जो करना चाहती हो तुम कर सकती हो, जहां जाना चाहती हो जा सकती हो। बस मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ऐसा कुछ मत करना जिससे किसी और को परेशानी हो। मैं आपसे वादा करती हूँ अंश, मैं ऐसी कोई भी हरकत नहीं करूंगी जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। मैं जो करने जा रही हूं इसमें सबकी भलाई है। भूमि, भूमि बेटा, भूमि बेटा, आज जो हुआ, भूमि तुमने बहुत सही फैसला लिया है, मुझे गर्व है तुम पर बेटा। माँ, ये अभी भी मेरा परिवार है, मैंने अभी तक हार नहीं मानी। जब तक यहाँ हूँ तब तक यहाँ होने के लिए लड़ती रहूंगी। वैसे भूमि, तुम कहीं जा रही हो बेटा? बेटा मुझे तुम पर बहुत विश्वास है, और मुझे पता है कि तुम ऐसा कोई भी काम नहीं करोगी जिससे मेरा भरोसा टूटे। हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं कुछ घंटों में वापस आ जाऊंगी। गाड़ी नहीं, मतलब अंश ऑफिस चले गए। टैक्सी भाई साहब, होशंगाबाद चलेंगे। जी मैम, जाकर वापस आना है। बैठिए मैम, चलते हैं। जी चलिए भैया। जी मैम। भैया रुकिए, भैया आप अभी यहीं रुकिए, मैं आती हूँ। भूमि, भूमि
भगवान, यहाँ कौन जानता है मुझे? तुम यहाँ कैसे? वो ऋषि, तुम? हाँ मैं, पर तुम तो ऐसे डरी हो जैसे मैं नहीं कोई भूत हो। एक्चुअली मुझे उम्मीद नहीं थी ना कि तुम यहाँ मिलोगे। अरे उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी, तुम्हें देखा अचानक स्टन कि भूमि और यहाँ। एनीवेज तुम हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? वो मैं घर के काम से आई थी, हॉस्पिटल से कुछ पेपर्स लेने थे। ओह अच्छा, मैं भी एक स्टोरी कवर करने आया हूँ, नाम सुनोगी? पुराने अस्पतालों की भूली बिसरी दास्तां। आप अच्छा ऋषि, मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। अरे तुम भोपाल से इतनी दूर अकेली आई हो, चलो मैं हेल्प करता हूँ। ठीक है कोई बात नहीं, तुम हो अंदर, मैं बाहर वेट कर लेता हूँ। नहीं नहीं इट्स ओके, तुम चलो मेरे साथ। श्योर चलो। ऋषि तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। श्योर। जी वसुंधरा प्रजापति नाम की एक पेशेंट यहाँ 1991 में एडमिट थी, उस पेशेंट का मुझे रिपोर्ट चाहिए। 1991 वो तो बहुत पुराना रिकॉर्ड है, मैं आपको फाइल ला कर देता हूँ, आप खुद देख लीजिएगा। अच्छा है ये लड़की अब हमेशा के लिए हमारे घर से, हमारी जिंदगियों से चली जाएगी। बड़ी माँ का मेल ये लीजिए, 1991 की फाइल। We'll be right back.
मतलब बड़ी माँ यहाँ एडमिट हुई थी, पर क्यों, क्या हुआ था उन्हें? इसमें से आधे पेपर्स गायब है और इसमें कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है कि बड़ी माँ यहाँ क्यों आई थी। शहर में पराए लड़कों के साथ आवारा गर्दी कर रही थी तुम्हारी बीवी। ये सुबह सुबह गांधी मार्ग पे अपने लफंगे दोस्त ऋषि के साथ बाइक में घूम रही। एक्चुअली हम दोनों एक साथ स्कूल में थे और मैं तो सोच भी नहीं सकता था इस तरह मैं अचानक भूमि से टकराऊंगा। शहर में पराए लड़कों के साथ सुबह आवारा गर्दी कर रही थी तुम्हारी बीवी अपने लफंगे। एक्चुअली हम दोनों एक साथ स्कूल में थे।